सुबह आजादी का सूरज भीख में नहीं मिला करता थी, और जब हिंदुस्तान में इस सुबह के तुलू होने की तमन्ना की गई तो बदले में बंगाल से लेकर बंबई तक को मुसलमानों के लिए शमशान घाटे बना दिया गया। पाकिस्तान आने वाली हर ट्रेन में हिजरत करने वालों के साथ साथ उनके अपनों की लाशें भी आईं। मगर ये कैसे सरफरोश थे जो उसके बावजूद अपने हक के लिए यही सराय लगाते रहे कि कितनी सदियों से मैं ढूंढता हूं उसे, एक वो बस्ती जहां मुझसे इंसाफ हो, बेबसी और तशद्दुद से यकसर अलग एक ऐसी फसा जो के शफाफ हो, वो जमीन जिस पे मेरे कदम टिक सके और सर पर कुशादा फलक चाहिए, आईने को मेरे अब चमक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए। दरअसल वो सरपरोश वो आप थे कि जब वो तुंदिये बादे मुखालिफ से नहीं घबराते तो उनकी फाफताएं बाजू खोले आजादी की नवी देती हैं और मारखोर सांप के सरों को कुचल देते हैं, और फिर ये आप अपनी मंजिल एक नशेमंद इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान हासिल करते हैं और यही सराय लगाते हैं कि वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये पेशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले में खुद को बचा ले, वतन अपने बाहर फसीले बना ले, फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं। उसी औकात जब कभी हमें कहा गया कि हम एक कमजोर कौम है तो हम एक ऐसी आजाद कौम कि जिसका दुश्मन 72 साल से उसके सामने खड़ा पूछ रहा है कि कौन हो तुम लोग, किस मुल्क से आए हो, तुलुए सुबह नौका फिर नया पैगाम लाए हो, हम कहते हैं हम खुदाए लम यजिल के वाहदहू ला शरीक पर यकीन रखते हैं, हम सूरह रहमान की तफसीर रखते हैं, है ता कयामत किसी वक़ार हमें कहा गया कि हमारी मतलब बदौलत कंकर नहीं गिराए जाते, परिंदे नहीं आते, तो फिर हम शाहीन बनकर जाहों के तसर्रुफ से उकाबों के नशेमन छुड़ाते रहे। हमें कहा गया कि हम एक गुलाम कौम हैं और अपने क्लासों तक को जंजीरों से बांध कर रखते हैं, तो हम आलमी कुव्वतों के साथ बराबरी के ताल्लुकात और भारत की शरंगेजी के जवाब में रिटेलिएट की सजा लगाते हैं। रमजान के महीने में हमने हुकूक इंसानी के लिए दुनिया की दूसरी बड़ी रियासत बनकर अत्याचार जमा किए, हमें मजहबी ताजादात का गढ़ करार दिया गया, तो हमारे यहाँ अहले सुन्नत अहले तशय्यु की मजालिस और अहले सुन्नत की महाफिल की हिफाजत करता रहा कि जीवाकार हम तला तुम खेत मौजूद से जो घबराया नहीं करते, कौन हम अपने दूसरे के तहफ्फुज़ के कसम जो खाया करते हैं वो कौन, हम मैदान जंग में मेजर अजीज भट्टी एम एम आलम शबीर शरीफ राशिद मिन्हाज एतजाज हसन इस्कंदर बुखारी कौन, हम तालीम के मैदान में अली मुइन नवाज़ी शेख कदरी रंधावा बाबर शाह दार बतान मजहब कौन, हम ज्ञान पब्लिक स्कूल के हादसे के बाद वेलकम बैक टू स्कूल का नारा लगाते हैं कौन, हम यूनिवर्सिटी के हादसे के बाद वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी का नारा लगाते हैं कौन, हम हादसे के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं कौन, और तो और हर धमाके के बाद नारे तकबीर लगाते हैं कौन, कि हम कश्मीर से उठे तो बुरहान वानी है, बलूचिस्तान से उठे तो दिफाए कुव्वत की तारीख चादी है, पंजाब से उठे तो दरिया रावी है, सिंध से उठे तो तबर्रुक के अब्दुल्ला शाह गाजी है, गिलगित बल्तिस्तान से उठे तो अहदे वफादारी है, और खैबर पख्तूनख्वा से उठे तो हम पाकिस्तानी, मेरी शनाख्त पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी, मैं समीना बेग, मैं पाकिस्तानी,
मैं ताहिरा काजी, मैं पाकिस्तानी, मैं हकीम सईद, मैं पाकिस्तानी, मैं अदीब रिफी, मैं पाकिस्तानी, मैं अब्दुल सत्तार इदी, मैं पाकिस्तानी, मैं नसरुद्दीन शली, मैं पाकिस्तानी, मैं लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास, मैं पाकिस्तानी, मैं हसन सिद्दीकी, मैं पाकिस्तानी, मैं आसिया नामी, मैं पाकिस्तानी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान, मैं पाकिस्तानी। शहर जिसे रुसुल बलात कहा जाता था, उसे किसी बेवा की तरह दीवार से लटका दिया गया। जिसे रोशनियों का शहर करार दिया जाता था, वहां अंधेरों को फैला दिया गया। अरे गोलियां चली धमाके हुए, मगर सलाम हो रेंजर्स के अहलकारों को कि उन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों को लेकर नाबूद किया। आप सबकी तालियां बताएंगी कि आपको हमारा पॉजिटिव की तकलीफ कैसे लगी।